कोरोना वायरस की तीसरी लहर अपने चरम पर है, फिर भी नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सजग है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा गिरी ने इस संबंध में बताया कि 200 बेड और बच्चों के लिए 50 आईसीयू बेड पहले से ही है, बाकी 200 बेड आइसोलेशन के लिए अतिरिक्त है। उन्होंने बताया कि पहले हमारे पास 425 बेड थे, अब 525 बेड उपलब्ध हैं। उनका कहना था कि इस बार कोरोना को जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि उतना घातक नहीं है, इससे ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो रहा, इससे केवल खांसी जुकाम बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत लोगों को हो रही है। जैसे नॉर्मल फ्लू होता है ये ठीक उसी तरह से है और ये वेरिएंट फेफड़ों पर ज्यादा असर नहीं कर रहा। देखिए, हम लोगों ने 200 बेड आईसीयू के एडल्ट मतलब कि बड़ों के लिए और 50 आईसीयू बेड बच्चों के लिए हैं, बाकी हम लोगों ने 200 बेड जो हैं वो आइसोलेशन के हैं। तो इस तरीके से पहले जैसे हमारे पास 425 थे, उस हिसाब से अब हमारे पास 525, क्योंकि गाइनी में भी हमारे पास कुछ बेड्स हैं, आईसीयू मेडिसिन आईसीयू में होल्डिंग एरिया में बेड्स हैं, तो 525 के करीब हमारे पास टोटल बेड्स हैं। इस बार जो कोविड ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये उतना घातक नहीं है, इससे ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो रहा है, खाली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि खांसी जुखाम बुखार बदन दर्द सर दर्द ही है। तो ये जैसे नॉर्मल फ्लू होता है उस तरीके से है और ये हमारे फेफड़ों को पे असर ज़्यादा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल हमारे नॉर्मल चल रहा है। तो इस वजह से ज़्यादातर मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं हो रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsflash।